कोरोना के बढ़ते मामलों का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे निवेशकों का भरोसा घट रहा है। यही वजह है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अप्रैल में अब तक भारतीय बाजार से अरबों रुपए का फंड निकाल लिया है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही जनवरी मार्च 2021 में विदेशी निवेशकों का रुझान इससे ठीक उल्टा था और उन्होंने भारतीय बाजार में निवेश किया था। इससे पहले सितंबर 2020 के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में खूब निवेश किया। इस साल जनवरी में FPI ने 14,649 करोड़ रुपए, फरवरी में 23,663 करोड़ रुपए और मार्च में 17,304 करोड़ रुपए डाले। इस साल अब तक कुल 54,686 करोड़ रुपए आए हैं। इससे पहले साल 2020 में FPI ने भारतीय बाजारों में कुल 1,03,156 करोड़ रुपए डाले थे, लेकिन अब कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच इकोनॉमिक रिकवरी प्रभावित होने की आशंका के चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकासी कर रहे हैं। विदेशी निवेशक अप्रैल में अब तक भारतीय बाजार से 929 करोड़ रुपए का फंड निकाल चुके हैं, जिसमें इक्विटी मार्केट से 740 करोड़ रुपए और डेट मार्केट से 645 करोड़ रुपए निकाले हैं। हालांकि डेट VRR फंड में 456 करोड़ रुपए भी डाले हैं, जिससे डेट मार्केट में कुल 189 करोड़ रुपए की बिकवाली रही। तो वहीं हाइब्रिड मार्केट से 12 करोड़ रुपए निकाले गए। दरअसल हाल ही में RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने का सरप्राइज अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते रुपया कमजोर हुआ और FPIs में फंड निकालने की होड़ मच गई। कोटक सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष रुस्मिक ओझा ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ने और डॉलर की तुलना में रुपए की गिरावट की वजह से FPIs निकासी कर रहे हैं। ओझा के मुताबिक MPC में रिजर्व बैंक ने सबको हैरान करते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1,00,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदारी की घोषणा की। इसके बाद रुपए में गिरावट आई और ये 72.4 से 74.8 प्रति डॉलर पर आ गया। FPI का निवेश दूसरे उभरते बाजारों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस महीने अब तक दक्षिण कोरिया और ताइवान में विदेशी निवेशकों का निवेश धीरे धीरे बढ़ा है। जब तक कोरोना की दूसरी लहर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का रुझान निवेश को लेकर बेहतर नहीं होगा। हालांकि फार्मा और IT सेक्टर में आने वाले दिनों में ज्यादा निवेश देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में रुपए में एक बार फिर मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि जल्द ही अमेरिकी फेड रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही कि इसके बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा एक बार फिर भारतीय बाजारों पर बढ़ सकता है।